सत श्रीकाल नमस्कार आदाब मैं तुहाडा अपना रमनदीप सिंह तुहाडे सारे दा बहुत बहुत स्वागत करता है टीआर न्यूज ते। इस वक्त असीं मौजूद हाँ वार्ड नंबर 45 दे विच। जानते हैं इतने पिछले 5 सालों तो कितना क विकास होया ते की कि लोगों दी समस्यावां ते आने वाले इलेक्शन तो बाद लोगों दी की मंगां ने, लोगों का मैनीफेस्टो की है कि उन्होंने चाहिए की है इस वार्ड दे विच। सत श्रीकाल मैम, पिछले 5 सालों दे विच कितना काम होया तुहाडे सिरे मुहल्ले दा? हमारे यहाँ तो कोई देखने भी नहीं आया, कोई देखने भी नहीं आया कि कैसे है। ये देखो कितना बुरा हाल है जी। नहीं, पानी का प्रेशर है और ये जो कनेक्शन लगा के चले गए इसका कोई प्रेशर नहीं है। अब कह रहे हैं डस्टबिन के लिए भी 100 रुपए दो, वो हम लोग नहीं दे सकते, हमारे बिजनेस नहीं है जी। ठीक है जी, ये नालियों का करो ठीक ठाक, ये करो, ये जगह से तोड़ी थी जैसे फोड़ी थी वैसे करके जाओ ठीक ठाक से। आप गल करिए पिछले 5 साल पानी पीने वाला जो प्रेशर नहीं आ रहा उस तरह पानी बाकी शहर पीने वाला साफ आ रहा है, टाइम टू टाइम आ रहा है। पर पिछले एक साल तो गलियां इतने पुटियां हुई ने, गलियां भी नहीं बनाई जा रही, लोगों इस करके गंदगी का सामना करना पै रहा है। डस्टबिन की जेकर गल करिए कोई इतने डस्टबिन वास्ते भी 100-100 रुपया मंगया जाता है। साफ सफाई वालों कारपोरेशन का कोई भी अधिकारी इस मोहल्ले नहीं पहुंच रहा है। इस वक्त असीं मौजूद हाँ पठानकोट के वार्ड नंबर 45 ਬੁੱਢਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪਾਂ 2 ਪਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ, ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ, ਅਧੂਰਾ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਆਂਡ ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਲੋਕੀ ਲਿਆਣ ਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। समस्या है सीवरेज जी, इतने पाइप पा दी गई है पर लोग बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पै रहा है। साडे नाल इक होर नौजवान विकास के बारे में नहीं मैं कह सकता क्योंकि मैं अपने करियर के रिगार्डिंग रिस्क नहीं लैना चाहता। मेरा नाम है साहिल महाजन, मैं इन्ना नहीं पता, ये चलो पब्लिक स्ट्रीट लाइट्स होर वगैरह लगता है। जो करोना के टाइम पर अप्रैल महीने जो लोगों जो परसनली कंसर्न पिया ठीक है, तो उस टाइम असी दिक्कत फेस की है। मैं वो चलो वो सा अपने परसनल भी आई, तो गल यही कि उदो सू जे पोलिटिक्स वाले कंटैक्ट करने पैदा, तो उदो अ थोड़ी समस्या फेस की है ठीक है ना। सर मैं ज़्यादा कुछ हाईलाइट होना, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता इसके बारे में। बाकी मैं लोगों को एक सिंपल मैसेज देना चाहता थोड़े चैनल के थ्रू, साडा एम सी जो नैक्सट एम सी कि होना चाहिए। सिंपल जी गल है, एम सी वो होनू अं कॉल करिए कॉल रिसीव करे, जो अं जाइए ना फेस टू फेस, एक फोन पर होंगे एक ही, जो तो परसनली जाइए तो सानू बाहर ना खिलाए साड़ी को। जो अं एक देखो जी कई बार होंगे कि फॉर्म भरे जो साइन कराने टाइम टाइम ड्यूरेशन घट होंगी है ना, इन्ने घट टाइम से चलो जो तो खज्जल खराबी करते हो, जो हेल्थ कार्ड बनवा जाने या कुछ भी है, कोई भी काम है किसी भी वार्ड का ना, एम सी पहले पब्लिक नाल अटैच होना चाहिए। बड़े लोगों का तो काम मिनटों मिनट हो जाता भाजी, वो तो नो डाउट है ना, कि जेडे मिडल है या होर भी है उन्होंने खज्जल खराबी ना करनी। इस मामले साइनिंग बहुत बड़ी जरूरत है, तुम पब्लिक ना कितना चल रहे हो, वोट लेने हैं अज ले है कल भी फिर जरूरत पैनी है। सो होर गल ये है कि मतलब जिदा कोई ग्रांट आती है साढ़े इलाके भाजी, तुम दिखोगे तो काफ़ी सारे रोजगार है, तुम उनके लिए की कर रहे हो, साढ़े एम सी साढ़े लिए की कर रहे हो, तुम पब्लिक को मैं कहना तुम दिखो कि यह चीज़ है कल यह कोई कंसर्न नहीं होता कि साढ़ा एम सी फाइनैंशियली है या कुछ भी है, बस उसकी एक नीयत होनी चाहिए है, बस मेरा यह मैसेज है, उसकी नीयत होनी चाहिए लोगों की सेवा करे ठीक है ना। परेशान ने इस वार्ड के
सीवरेज की समस्या है इतने पीने वाला पानी हूँ थोड़ा जहा साफ लगा हुआ पर प्रैशर नहीं है पानी का लूक करनी टैंकियाँ भरने में प्रॉब्लम्स आदि लोग इतों के ज़्यादातर गरीब तबके दे रहे हैं जिन्हों का कहना कि असी मोटर वगैरह नहीं लगा सकते साफ सफाई के उन्होंने को पैसे नहीं होंगे जिसे कि 100 रुपया पर डस्टबिन का मंगया जाता है। सो कारपोरेशन को चाहिए कि इन्हों थावान के उत्ते कारपोरेशन वालों सुचजे ढंग काम करवाया जाए तो जो लोगों को ज़्यादा परेशानियां ना हो। मैं रमनदीप दत्त लेता हाँ देख टी आर।